कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में जारी लॉकडाउन के बीच अब राजनीतिक पार्टियां भी सरकार के सहयोग में जुटी हुई दिख रही हैं। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को खाने पीने की कमी ना हो, इसके लिए सरकार के अलावा कई सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं। अब राजनीतिक दल के लोग भी भूख मिटाने के लिए जनता के बीच जाकर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में ठेला वाले, रिक्शा वाले, मजदूर, राजमिस्त्री जैसे डेली कमाने और डेली खाने वाले असहाय लोगों की जरूरतों को देखते हुए विधायक राज सिन्हा ने चावल, दाल, चूड़ा और गुड़ के पैकेट बनाकर वितरण किया, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में भूख से जूझ रहे दिहाड़ी मजदूर एवं गरीबों के बीच धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में खाने का पैकेट पुराना बाजार, रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों में वितरण किया गया। कोरोना महामारी के चलते जो वैश्विक महामारी है, तो जो लॉकडाउन है, ऐसे में जो लोग सुबह निकलते हैं, शाम में मांग करके आते हैं या काम करके आते हैं तो खाते हैं, उन लोगों को समस्या हो रही है। वैसे लोगों को चिन्हित करके, जैसे यहाँ पे हो गया, फिर भूदा में है, फिर हाणी पड़ा है, या जिनका राशन कार्ड माने है या अप्लाई किए हैं उनको तो मिलेगा। जो लोग एकदम से असहाय हैं, वैसे लोगों को अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि उनका चावल 5-5 किलो, दाल, चूड़ा, गुड़ का पैकेट बना करके उन लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन में तो लोगों के लिए सभी उपाय हो रहे हैं, बहुत सारे उपाय हो रहे हैं। लोग घर में अपना संसाधन जुटा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जिस प्रकार रोजमर्रा का काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, चाहे अपना मांग करके जीवन यापन करने वाले लोग, आज स्थिति यह है उनके पास कोरोना की बीमारी का क्या हाल होगा, वो तो समय के गर्भ में है, लेकिन इस भूख की मौत ये लोग मरने के। इन सभी कार्यों के बीच झरिया से पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की पत्नी तथा भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी उपायुक्त आवास पहुंचे, जहां जनता को मदद पहुंचाने के लिए 1,01,000 रुपए का सहयोग किया। उन्होंने उपायुक्त अमित कुमार को चेक सौंपा। रागिनी सिंह ने बताया कि किसी को भी भूखे पेट सोने की नौबत ना आए, इसलिए तमाम जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। जिस तरह से सरकार की तरफ से राशन हमारे जनता के लिए आ रही है, उसके लिए मैं भी सहयोग की हूँ। जहाँ हद तक है मेरे से जितना बन पड़ेगा, मैं सहयोग के लिए हमेशा तैयार थी। और यहाँ अभी फिलहाल किसी साहब के खोखला पे चेक दी हूँ। बहरहाल कोरोना वायरस ने जहाँ एक तरफ लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है, वहीं इंसानियत को मजबूती के साथ जिंदा रखा है। जरूरत है कि इन तमाम लोगों से और भी लोग सीख लें और गरीबों की मदद के लिए आगे आए। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए दिलशाद खान की रिपोर्ट।